ग्रेट सपोर्टर्स कल्चर क्लब इंडिया। इस क्लब के वलों 27 तरीक दिन एतवार वख वख महान हस्तियों वख वख अवार्डों के नाल सन्मानित किया गया। आओ वेखिए पूरी रिपोर्ट। नेक्स्ट अवार्ड जा रहे हैं जी परमजीत सिंह जी नूं एथलेटिक प्लेयर ने लोको पायलट ने नॉर्दर्न रेलवे तो जेड़ा जेड़ा आया फिर कोई ताड़ी मार रहा है कुछ नॉर्दर्न रेलवे तो कितने शहीदे ने साडे देश दे विच साडे सूबे च साडे शहर च और एयर कई राजकुमार जी नवीन जी थोड़े पिछे थोड़े भरा खड़े ने शौर्य परवाल बैडमिंटन नेशनल केयर अगर है तो प्लीज ग्रेट स्पोर्ट्स क्लब वालों अच्छ जरा अवार्ड शूट से जी और बड़े वधिया तरीके दे नाल होर निकलिया की कहना चाहुंदे पहले तो सारे श्रोतियों नूं मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं सोचना कि समाज दे विच बहुत वड्डी जरूरत है ऐसे क्लब या ऐसी ऑर्गनाइजेशनस दियां क्योंकि बहुत सारे लोग जिहड़े ने अपने खेत्र दे विच और अपने खेत्र तो बाहर जाके दूसरे खेत्रां दे विच बहुत मल्ला मारदे ने बहुत विशेष काम करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं और समाज में एक नवी सेध और समाज का मार्गदर्शन करते हैं और मेरे विचार मुताबक साडा भी फर्ज बनता कि उन शख्सियतों समय समय सिर सम्मानित किया जाए जिथे तक उन्होंने एक हौसला वाधा है कि असी होर वधिया काम करिए दूसरे इन्हां लोगों का जिसले सम्मान होंदा तो जो असी समाज के दूसरे लोग उन्होंने वेखते हैं तो उन्होंने मन के भी प्रेरणा का बीज फुटदा है कि असी भी कुछ अजिहा करिए जिहड़ा सानू भी कल नूं कोई मौका ऐसा आए कि मंच ते ऐसा सम्मानित किया जाए और असी अपने देश का नाम उच्चा कर सकी अपने देश नूं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकीए और इस दिशा दे विच ग्रेट स्पोर्ट्स कल्चर क्लब ने जिहड़ा एक इनिशिएटिव लिता पिछले 7 साल तो चल रहा तो मैं इस साल उन्होंने कल्चरल विंग का प्रेजिडेंट बनाया तो मैं बहुत माण महसूस कर रहा कि जिहड़े भी शख्सियतों अज मान इन्होंने दिता सम्मान दिता है वो थ्रू साडे समाज के एक बहुत अच्छा मैसेज आता और सारयां नूं एक प्रेरणा मिलती है कि असी भी कुछ अच्छा कर गुजरीए। ठीक है सर, थैंक यू, वेलकम। हाँ सर, तुहाडा नाम? इकबाल सिंह रंधावा, DM स्पोर्ट्स जलंधर। की कहना चाहते हो तुसीं? अज तुहानूं अवार्ड नाल भी सम्मानित किया गया और एक जिहड़ा क्लब है वह भी स्पोर्ट्स क्लब। हाँ जी, मैं इन्हां दे बहुत ही धन्नवादी हाँ कि इन्हां ने प्रमुख शख्सियतां नूं जिहड़ियां पंजाब दियां ने उन्होंने बुला के इत्थे सन्मानित किया। ये सारा क्लब जिहड़ा वा ग्रेट स्पोर्ट्स कल्चर क्लब जिहड़ा ये बधाई का पात्र है और साडियां जिहड़ियां संस्थावां ने इन्हां नूं इसे तरह ही जिहड़े साडे खिडारी ने साडे म्यूजिक वाले ने और साडे जिहड़े साहित्यकार ने उन्हां नूं इसे तरह ही सन्मानित करते रहना चाहिए। इस क्लब नूं बहुत बहुत मुबारकबाद और परमात्मा हमेशा इन्हां नूं चढ़दी कला विच रखे। जय हिंद। थैंक यू। हाँ जी मैम, अज तुसीं ग्रेट स्पोर्ट्स क्लब दे विच उन्होंने प्रोग्राम दे विच अवार्ड शो दे विच शिरकत की है, तुहानूं भी मिलिया है, की एक प्राउड फील करदे, की कहना चाहुंदे हो? हाँ जी, सब तो पहला तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ जो क्लब मैंबरस ने गे उन्होंने मैनू इन्ना सम्मान दिता एंड प्रोग्राम बहुत ही वधिया सीगा ते असी इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ते बहुत अच्छिया परसनैलिटीज़ आई हुई हैं इतने तो मतलब फस्ट टाइम मिले हैं सिर्फ नाम सुनते सके तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू। अज मैं जो ग्रेट स्पोर्ट्स कल्चर क्लब आ उनका बड़ा धन्यवाद करना कि जो साडे वर्गे एक मैनेजमेंट दे स्पेशल अवार्ड के नाल जिन्हें ने नवाजा होर भी पंजाब दी जिन्नी भी महान हस्तियां जो जो अच्छे काम करने वाले ने उन्होंने सद के उन्होंने जो अवार्ड नाल नवाजा है उन्होंने धन्यवाद करना। थैंक यू। हाँ जी मैम, मैं डॉक्टर निरलेप कौर, हाँ प्रिंसीपल गुरु नानक नेशनल कॉलेज दराहा, एफिलिएटेड टू पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। की कहना चाहते हैं अच्छी अवार्ड फंक्शन के अच्छे ग्रेट स्पोर्ट्स से आए जे और बहुत सारिया हस्तियों अच्छे अवार्ड न सम्मानित किया?
अज ग्रेट स्पोर्ट्स अवार्ड संस्था के वालों बहुत सारिया हस्तियों इतने सन्मानित किया गया तो मैं अपने आप में बहुत ही मतलब बदभागी समझती हाँ कि मैं इस जगह के उत्ते पहुँची हाँ तो खास तौर के उत्ते मैं इस संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहनी हाँ और इस संस्था के नाल रूबरू करन दे लई मेरे कोच सरदार भगवंत सिंह जलंधर तो जिन्हों की मैं प्रोडक्ट हाँ मैं 1990-92 के ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेडी हाँ तो उन्हों की बदौलत खेडी हाँ तो उस तो बाद मैं अकैडमिकली भी PhD की पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो अजक मैं अपने पेरेंट्स तो अपने कोच साहब की ही मेहनत सदका इस स्टेज पर पहुंची हाँ तो खास तौर पर अज मैं ग्रेट स्पोर्ट्स अवार्ड जी संस्था हैगी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहनी हाँ कि उन्होंने एक उचेचा उपराला किया कि बखरी बखरी जगह तो उन्होंने लोगों को रूबरू किया जा रहा है जेडे कि सरकार वालों अणगौले हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू जी। हंस थोड़ा नाम? मेरा नाम भगवंत सिंह एथलैटिक जलंधर। सर की कहना चाहते अच्छे इस अवार्ड फंक्शन आए? बड़ी खुशी महसूस होंगी आ जो कार्ज आ द ग्रेट स्पोर्ट्स कल्चर इंडिया ने जो किया जो गौरमेंटा करना चाहिए सगा जोड़े चंगे चंगे स्पोर्ट्समैन ऑनर नहीं किए जाते कोच नहीं सम्मान किए जाते उ पक्षपात किया जाता राजनीति तौर पर उन्हों दिस्टा च ना आते इतने इन्होंने वो सारे खिडारी सारे कोच ऑलराउंड जोड़े होर फील्ड आ चाहे सभ्याचार आ चाहे फिल्मी एक्ट्रेस आ चाहे नाटककार आ उन्होंने सारे सद के एक सन्मान करना उन्होंने हौसला बुलंद करना ये बड़ी वड्डी उन्हों की बहुत बड़ा उपराला परमात्मा उन्होंने कहते भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे बदन फुलने स्पोर्ट्स क्लब जी इंडिया की एक अज इंडिया के ना मैं कहता हैगा कल ये सा ग्रेट स्पोर्ट्स का ना इंटरनेशनल लैवल से होना चाहिए जिदा का जरा कार्ज इन्होंने शुरू किया सोहता जी ने सरदार सुचा सिंह जी ओलंपियन एशियन मैडलिस्ट 1974 से दो बार 400 रिले चार दी एंड 400 मीटर इंडिविजुअल रिले रेस के भी उन्होंने सिल्वर मैडल जितते थे उन्होंने हाले तक अर्जुना अवार्ड नहीं मिले बहुत सारे ने अर्जुना साढ़े मेरे अपने कोच से कैप्टन महिंदर सिंह ओलंपियन ट्रिपल जंप के एशिया रिकॉर्ड से और वो देखो उन्हें डेथ भी हो चुकी आ एशिया रिकॉर्ड होल्डर और ओलंपिक के रीप्रजेंट चौ 14th प्लेस थी उन्होंने अर्जुना अवार्ड उन्होंने भी हाले तक मिले यानी ये बहुत बहुत गहरे गहराइया चो देखने वाली गलबात आ स्पोर्ट्स जो साड़ी अच्छ थले जा रही आ मैं मेरी थोड़ी जी इंटरव्यू पिछे जी आई भी सी बी वो दिन भी सगा जो हिंदुस्तान के सिर्फ पंजाब के 6 सिख खिडारी रीप्रजेंट करते जो ध्यान चंद जी खेलते उस तो बाद 1980 लास्ट ओलंपिक आप जीती 1975 वर्ल्ड कप जितया और 6 जलंधर के खिडारी होंगे सके लेकिन अब सा स्पोर्ट्स का जोड़ा वो पंजाब का ना बहुत पिछे चल गया वोदिया गौरमेंटा जड़िया मेन मैं तो उही कहूँगा भी गौरमेंटा जी जिम्मेदार आ सू सारे रल मिल के उपराला करना चाहिए हिंदुस्तान के जी स्पोर्ट्स आ वो मुड़ के हर गेम जिदा हरियाणे के बॉक्सिंग एथलैटिक्स आ जिन्हिया भी होर गेम आ मैडल लै रही ओलंपिक के वर्ल्ड के भी रैसलिंग के बहुत तगड़ा रिजल्ट हरियाणा दे रहा तो असी पिछे क्यों हाँ पंजाब हरियाणा एक स्टेट सी अज वो साढ़े तो जे अड आ लेकिन है तो एक ही प्रोडक्ट है ना तो साडा भी फर्ज बनता भी आप चलो जे गौरमेंटा नहीं भी देख रही साडा अपना फर्ज बनता आप भाईचारा कायम करके और वधिया सिस्टम दे नाल कोचिंग जी जी अज तुहानू अचीवमेंट दा अवार्ड मिलिया जिहनू कि सारी दुनिया जिहड़ी हैगी आ इक कह सकदे आ कि गुरु मंनदी बिल्कुल मुहम्मद रफी साहब और की फील कर रहे हो की प्राउड फील करदे तुसीं कि उन्हां दे अवार्ड नाल तुहानू अज नवाजिया और खास करके ग्रेट स्पोर्ट्स वालों नूं की कहना अज मेरे वास्ते बहुत ही खुशी दा दिन है क्योंकि इस करके भी जिस शख्स को जिस इंसान को मैं शुरू तो ही पूजया उन्होंने फॉलो किया मुहम्मद रफ़ी साहब जनाब अज उन्होंने नाँ पर मैं पद्म श्री रफ़ी रतन अवार्ड मिल रहा है मेरा तो खुशी का कोई टिकाणा नहीं मैं समझदा भी अगर मैं उन्होंने उन्होंने संगीत को फॉलो किया तो अज मेरा ये मकसद जोड़ा सी पूरा हो गया सो मैं उस परमात्मा का रफ़ी साहब का दिलों धन्यवाद करदा ते ग्रेट स्पोर्ट्स क्लब का बहुत धन्यवादी हाँ कि उन्होंने मैं इस अवार्ड लिए चुने थैंक यू ओके अमनजीत जी की कहना चाहते तुसी भी अज शिरकत की है प्रोग्राम अवार्ड शो अज देखो जी अमृतसर दियाँ ते सारे पंजाब दियाँ
इस इंडिया दी महान हस्तियां इत्थे शिरकत कीतियां ने उन्होंने अज अवार्ड्स मिल रहे हैं। वो अवार्ड नूं देखण दा सानूं मौका मिल रहा है तो बड़ा वधिया फील हो रहा, प्राउड प्राउड फील हो रहा सानूं भी सानूं भी एक दिन मौका मिलेगा जदों असीं इह प्राइज पाउण दे हकदार होवांगे तो सानूं मिलेगा। मैं बहुत खुशी की गल है जी, बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत अच्छा लगा जी, बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा देखने को भी और बाकी बहुत अच्छा प्रोग्राम से अवार्ड सिस्टम। भाजी अच्छ तू मेयर मित्तल साहब के जोड़े अवार्ड के नाया गया वा ग्रेट स्पोर्ट्स कल्चर की कमान भी हम महसूस करें। सब तो पहला मेरे वालों यानी सुरेंद्र फिजता कुलेचा वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्ते, आदाब। आज बड़ी खुशी की गल है, GSCC ये अपना बहुत ही वधिया क्लब है इन्हां दी और बड़ा वधिया काम कर रहे हैं, कल्चर क्लब है और जिहड़े जिहड़े बंदे डिजर्व करते हैं, जिहड़े जिहड़े आर्टिस्ट डिजर्व करते हैं, जिहड़े जिहड़े लोग समाज सेवक ने भावें वह कला के खेत्र च ने उन्हां नूं अवार्ड दे के सन्मानित किया जा रहा है। तो अज मैनू मैं खुशकिस्मत आ मैनू कॉमेडी किंग मेयर मित्तल साहब का अवार्ड मिलया। मैं शुक्रगुजार हाँ जी सुविंदर सिंह जी का जिन्हां दी बदौलत अज इत्थे दर्शन करन दा मौका मिलया, सारी ऑडियंस का, नवदीप सिंह जी जिहड़े फाउंडर ने और प्रेजिडेंट ने, काफ़ी अच्छा उपराला जी, बहुत मन खुश होया। इस बहाने सारे जिन्ने भी पंजाब के नामवर कलाकार ने, पंजाब के नामवर जिहड़े साडे स्पोर्ट्समैन ने, उन्होंने मिलने का मौका मिला। अमन जी अच्छ कुंदरा जी क्योंकि बहुत वही शख्सियत सी उन्होंने नाम का तुम अवार्ड मिले है ना, की कहना चाहते हो? देखो जी बड़ी माण वाली गल है जी, मुकेश कुंदरा जी एक बहुत बड़ा नाम है, है ना, साडे उस्ताद है, सारे उस्ताद है जिन्हें भी कलाकार ने बस के उतों निकले, इसी संस्था निकले हुए है। होर तो होर देखो सरते जाने बाद सर मैं तभी तोहफा दे गए है ना, तोहफा किदा नवदीप भाई सोता जी जोड़े कि फाउंडर ने संस्था के, तो उन्होंने जरिए तोहफा मिले, मैं गिफ्ट मिले जो अवार्ड मिले, तो बड़ी खुशी वाली गल है कि सर ने इन्ने अच्छे कलाकार पैदा किए हैं, तैयार किए हैं, अज हर बंदा परफॉर्म कर रहा है, अमृतसर भी जा रहा, बॉम्बे भी जा रहे, दिल्ली पूरे मतलब पंजाब नाम, पूरे बॉलीवुड नाम रोशन किया उन्होंने, तो बड़ी खुशी वाली गल है जी। वेलकम देवी जी, अज तुहानू बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जिहड़ा ग्रेट स्पोर्ट्स वालों दिता गया, एक क्लब बारे और की कहना चाहते हो, की कमान महसूस कर रहे? सर मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा कि मैं इस बहुत वधिया प्रोग्राम से बेस्ट DOP का अवार्ड दिता, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम से, सारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, तो मैं सब का धन्यवाद करता, थैंक यू वेरी मच। दर्जी जी अब ग्रेट स्पोर्ट्स क्लब वालों जिहड़ा तुहानू ऑनर किया गया, की कहना चाहते? बहुत वधिया उपराला जी इस क्लब का, जिस तरह कि आम छोटे छोटे लोगों को एक मंच से इकट्ठे करने की, उन्होंने सम्मानित करने की, एक जिहड़ा सम्मानित करना ना, यह सम्मानित करने के नाल किसी को प्रेरक शक्ति मिलती है, उस नाल होर भी लोग जिहड़े आ जिन्हें एक थापड़ा मिल जाता, तो वो फिर बंदा अगे वध के होर काम करने की कोशिश करता कि उन्हें इहो जिही शक्ति मिल गई है, जे इस तरह जग वालों शक्ति मिलती जाए तो होर भी काम करने जी करेगा, जिस तरह सानूं कि अज भाई कन्हैया जी मिशन, भाई कन्हैया जी का अवार्ड जिदा दिता गया, भाई कन्हैया जी का मिशन जिहड़ा सीगा उन्हूं आपां सारिआं नूं। रिपोर्टर सोनू खानकोट की रिपोर्ट, पंजाबी एक्टिव TV, श्री अमृतसर।